मुस्लिमों का जीना हराम कर रखा है आप लोगों ने। कभी उनकी मस्जिद को तोड़ने का काम करते हैं, कभी उनकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं। गोधरा कांड में मुस्लिमों को गुजरात में मार दिया जाता है, जिनकी फाइल आज तक क्लियर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद के दौरान में उनको मुंह मारा जाता है, उनको काटा जाता है। और आज शिमला में ये स्थिति पैदा कर रहे हो, देश के लॉ एंड ऑर्डर, देश के संविधान को, कानून को ताक पर रखना चाहते हो कि जो आज देश में सत्ता कायम करना चाहते हैं, सत्ता रखना चाहते हैं, या मुस्लिमों पर अपराध करना चाहते हैं, या दलितों पर अपराध करना चाहते हैं, उनके दादा, उनके बाप, उनके परदादा, किसी ने देश आजादी कराने में अपनी शहादत नहीं दी, अपनी कुर्बानी नहीं, तन मन धन, न पैसा दिया, न तन दिया, न मन दिया, न बात करी, छुप गए थे, अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, गुलाम, देश के लिए अपनी आहुति नहीं दी, देश के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, देश के लिए जब निकले तो तुम्हें देश से प्यार नहीं है। धर्म के नाम पर मस्जिदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा, तुम साबित क्या करना चाहते हो? जो मस्जिद और मंदिर की लड़ाई मैं आपको जबरन फंसाना चाहते हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ वीडियो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि जंगल राज शुरू हो चुका है। कि अभी तक भारत के संविधान में, भारत की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, जो भी कानून मौजूद है वर्तमान में, उस कानून में कहीं भी कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि आप किसी के घर को बिल्डोजर से तोड़ने का काम करेंगे। किसी के बिल्डोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कहा, टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बिल्डोजर का कोई प्रोविजन नहीं है। यदि कोई प्रॉपर्टी यदि इल्लीगल भी बनी हुई है तो उसे भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पालन किए बिना आप नहीं तोड़ सकते। उसके लिए संस्थान है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें मुकदमा चला जाएगा। और 20 साल या 30 साल पहले कोई प्रॉपर्टी अनऑथराइज थी और आज उसे तोड़ रहे हो, भाई 20 साल से क्या कर रहे थे? जब वो प्रॉपर्टी बन रही थी तो आपके जो संस्थान है वो पैसा लेकर उस प्रॉपर्टी को बनवा रहे थे, या जब तक इंतजार कर रहे थे कि वो एक्यूज बनेगा जब उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कई बार कह दिया है, लेकिन इसके बाद भी यदि सरकारें नहीं मान रही हैं या संस्थान नहीं मान रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की मानहानि है उसके आदेश के, टिप्पणी के बाद उन लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए, उन लोगों को जेल भेजना चाहिए, और जिनका मकान टूटा है उसका पूरा भरण पोषण, पूरा हर जाना उस भाई को देना चाहिए उसके अधिकारों को संचित रखने के लिए। यही गारंटी भारत का संविधान देता है, और इसीलिए कुछ लोग भारत के संविधान को नस्त नाबूद करना चाहते हैं। साथियों, सूरत में पत्थरबाजी का आरोप लगाने के बाद मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, जिसके वीडियो सार्वजनिक किए गए सोशल मीडिया पर, वो वीडियो काफी वायरल है। इसी बीच वहां पर जो आरोपी थे उनके घरों को भी तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। तमाम सवाल इस बीच उमड़ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी सरकारें वैसा ही कर रही हैं जैसा पहले हो रहा था। साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि उसके बाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए, यानी कहीं ना कहीं पुलिस का जो चेहरा है वो कम्युनल दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे में जो राज्य के मुसलमान हैं, देश के जो मुसलमान हैं, जिन्हें आरोपी बता करके उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, यहाँ तक कि पुलिस टॉर्चर का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ें कब जाके सही होंगी और लीगल जो कार्रवाई है वो किस तरह से होनी चाहिए थी इस तरह के मामलों पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं। आपने भी वो वीडियो सूरत की देखी, तमाम सोशल मीडिया पर वो वायरल हैं, पुलिस या टॉर्चर किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आपके कुछ अधिकार हैं, और आपके जो अधिकार हैं उनको सुप्रीम कोर्ट संरक्षित करेगा। जो भारत के संविधान का गार्जियन कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, अधिकारों का खंडन होता है, तो हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि तुम्हारे अधिकार इसमें संरक्षित हैं, और उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्सों को बचाने का काम करता है। जो मुस्लिम हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? उनके साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो हिंदू हैं, या वो ये नहीं जानते कि मुस्लिम जो है वो इस देश का नागरिक है? अरे, देश का नागरिक है, देश को आज़ाद कराने में मुस्लिमों की बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं एक दिन अभी इंडिया गेट गया, इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाम मुस्लिम भाइयों के हैं, और मुस्लिम जो कौम है एक शांति प्रिय कौम है। मैं खुद कहता हूँ उस बात को कि मुस्लिम हमारे देश की एक शांति प्रिय कौम है। वो चाहती तो देश के बंटवारे के बाद जिन्हें जाना था पाकिस्तान वो जा सकते थे क्योंकि उनकी छूट, लेकिन वो भारत से प्यार करते हैं, वो भारत के नागरिकों से प्यार करते हैं, भारत के संविधान से प्यार करते हैं, भारत के जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन हैं उससे प्यार करते हैं। उनका अपना भारत है, वो उनके दिल में बसा हुआ, उनके दिमाग में बसा हुआ है। देश आजाद होने से पहले कई सौ साल मुस्लिमों ने देश पर राज किया, उन्होंने यहीं सारे संगठन बनाए, यहीं पर इमारतें बनाई, यहीं पर
ताजमहल बना रहा, यहीं पर लाल किला बना रहा, यहीं पर उन्होंने सब कुछ किया। जब देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र के मायने समझते हैं? जिस देश के अंदर नागरिकों के सारे अधिकार सुरक्षित होते हैं, जिनको हर अधिकार उन्हें मिलता है, उनको यदि कोई वायलेशन हो जाता है तो आप 226 संविधान की जो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट, उनका पालन कराने के लिए, इन्फोर्समेंट कराने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप मुस्लिम हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति या किसी भी धर्म का मनुष्य है, यदि इस देश का नागरिक है तो उसे सारे अधिकार उसे मिलेंगे। लेकिन चंद लोग जो अनपढ़ हैं, जो नालायक हैं, जो देश में अपना नहीं समझते देश को, जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, देश की संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करना चाहते हैं, देश के संविधान को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं, देश के गणतंत्र, देश की जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, ले जो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते, जो हाई कोर्टों के डिसीजन हो रहे हैं उनको नहीं मानते, जो न्यायालय न्याय व्यवस्था का अपने दिमाग में कुछ समझते ही नहीं है, केवल चंद लोग, चंद लोग, वो लोग जिनकी भूमिका देश को आज़ाद कराने में बिल्कुल नहीं रही, कि जो आज देश में सत्ता कायम करना चाहते हैं, सत्ता रखना चाहते हैं, या मुस्लिमों पर अपराध करना चाहते हैं, या दलितों पर अपराध करना चाहते हैं, उनके दादा, उनके बाप, उनके परदादा, किसी ने देश आज़ादी कराने में अपनी शहादत नहीं दी, अपनी कुर्बानी नहीं, तन मन धन, ना पैसा दिया, ना तन दिया, ना मन दिया, ना बात करी, वो छुप गए थे, अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, गुलाम, देश के लिए अपनी आहुति नहीं दी, देश के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, देश के लिए जब निकले तो तुम्हें देश से प्यार नहीं है, अपने भाई से प्यार नहीं है, अपने, अरे जिन मुसलमानों की बात करते हो, मुस्लिम राज्य की बात है तो एक तरफ ये कहते हो कि हमारे भाई थे, ये हमारे भाई थे, ना जबरन मुस्लिम धर्म बना दिया, तो वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, वो भी तो इसी देश का नागरिक है, वो भी तो जितने अधिकार तुम्हें मिले हुए हैं उतने अधिकार उस मुस्लिम भाई को मिले हुए हैं। मुस्लिमों का जीना हराम कर रखा है आप लोगों ने, कभी उनकी मस्जिद को तोड़ने का काम करते हैं, कभी उनकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं, गोधरा कांड में मुस्लिमों को गुजरात में मार दिया जाता है, जिनकी फाइल आज तक क्लियर नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद के दौरान में उनको मुंह मारा जाता है, उनको काटा जाता है, और आज शिमला में ये स्थिति पैदा कर रहे हो, देश के लॉ एंड ऑर्डर, देश के संविधान को, कानून को ताक पर रखना चाहते हो, कोर्ट किस लिए बनी हुई है, कोर्ट किस लिए है, कोर्ट इसीलिए है कि वहाँ लोगों को न्याय मिल सके, अपनी बात को रख सकें, लेकिन तुम वहाँ तक नौबत नहीं आने देना चाहते हो। मुस्लिम एक शांति प्रिय कम, 5 वक्त की नमाजी पढ़ने वाला आदमी, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे हिंदुओं का बुरा हो, वो देश में अमन, शांति और चैन रखना चाहता है, लोगों के अधिकारों को वंचित ये जो करना चाहते हैं, ये सरकारें चाहती हैं, कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो आपके ऊपर आपसे पैसा लेकर और आप ही को गुलाम बनाना चाहते हैं, इनकी रोटी कैसे सिकेगी, इनकी राजनीति कैसे चलेगी, यदि ऐसे ही ये केवल लोगों को अनपढ़ बनाए रखना चाहते हैं। देश के अंदर एक लड़की का बलात्कार होता है, उसे जान से मार दिया जाता है, उसके लिए रोड़ों पर भीड़ नहीं आती है, वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हो, वहाँ तुम लोग इकट्ठे होकर बात नहीं करते, किसी की बहन बेटी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की, वहाँ बेटी को रेपिस्ट को आप नहीं निकाल सकते, वहाँ आप एक कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते जिस देश के अंदर, और वहाँ धर्म के नाम पर मस्जिदों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा, तुम साबित क्या करना चाहते हो? पर जो पुलिस के जो कार्रवाई की जो वीडियो सार्वजनिक कर रही है पुलिस, दिखा रही है, इससे पहले गुजरात में एक मुस्लिम शख्स को खंभे से बांधकर मारा था, पीटा था, और वो वीडियो भी वायरल, मतलब ये किस तरीके का मैसेज दिखाने की कोशिश, बहुत ही गलत है। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, ये ज़्यादा दिनों तक लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो वक्त आ चुका है, लोग समझ चुके हैं चालों को, पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह समझ रहा है, आप बेईमानी से बार बार आ सकते हैं, लोगों के अधिकारों को कब तक आप खंडित करते रहेंगे, कब तक ख़त्म करते रहेंगे, वो वक्त आ चुका है साथियों। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, भारत के संविधान को पढ़ें, भारत के संविधान में आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, वो मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, जैनियों के लिए, सब के लिए बराबर समान अधिकार देता है, और हमारा वो गारंटी देता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण सब नागरिकों को और व्यक्तियों को लिए समान है। यहाँ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, और जो आदमी या जो संगठन इस तरह की आपको चाहता है कि वो खड्डे में डालना चाहता है, आपके अधिकारों को ख़त्म करना चाहता है, ऐसे लोगों को खिलाफ़ में लोगों को बताना पड़ेगा, भाईचारा कायम रखना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से संगठन हैं, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी हैं जो देश में लॉ एंड ऑर्डर, संविधान को खतरा डालना चाहते हैं। तो मैं साथियों, ऐसे लोगों को वोट ना करें जो देश के संविधान को, लॉ एंड ऑर्डर को ना मानते हों, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, टिप्पणी के बाद भी बिल्डोजर चलाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को टिकट ना दें, ऐसे लोगों को वोट ना दें, वोट ऐसे लोग
लोगों को दें जो संविधान को कायम रखना चाहते हैं साथियों, और जो तुम्हारे अधिकारों को ख़त्म नहीं करना चाहते साथियों, जो मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में आपको जबरन फंसाना चाहते हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ वीडियो दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि जंगल राज शुरू हो चुका है। जहाँ ऐसे प्रदेशों में जंगल राज शुरू हो चुका है, वहाँ पर ऐसी सरकारों को दोबारा ना लाएं जो ऐसा कराना चाहती हैं साथियों। किसको किस काम से करने के क्या फ़ायदा है आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका क्रेडिट किसको जाएगा ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा करने से फ़ायदा किसको होगा। साथियों समझदार लोग हैं, और मैं आप ये हमारी आपकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है लोगों को समझाने के साथियों। एक पढ़ा लिखा आदमी बहुत लोगों को समझा सकता है, बताया कि अपने भाई आपसी भाईचारे को ख़त्म ना करें साथियों। पर इस पर ये सवाल जनता की तरफ से आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों को तोड़ने के लिए सख्त टिप्पणी की कि ये गलत है, तो सिर्फ टिप्पणी क्यों, इसको इसको आदेश क्यों नहीं बनाया? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अभी तक भारत के संविधान में, भारत की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो भी कानून मौजूद है वर्तमान में, उस कानून में कहीं भी कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि आप किसी के घर को बिल्डोजर से तोड़ने का काम करेंगे। किसी के बिल्डोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कहा, टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि बिल्डोजर का कोई प्रोविजन नहीं है। यदि कोई प्रॉपर्टी यदि इल्लीगल भी बनी हुई है तो उसे भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पालन किए बिना आप नहीं तोड़ सकते। उसके लिए संस्थान है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें मुकदमा चला जाएगा। और 20 साल या 30 साल पहले कोई प्रॉपर्टी अनऑथराइज थी और आज उसे तोड़ रहे हो, भाई 20 साल से क्या कर रहे थे? जब वो प्रॉपर्टी बन रही थी तो आपके जो संस्थान है वो पैसा लेकर उस प्रॉपर्टी को बनवा रहे थे, या जब तक इंतजार कर रहे थे कि वो एक्यूज बनेगा जब उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे? नहीं, केवल सीआरपीसी में यानी कि 82 और 83 का प्रोविजन है, 82 और 83, यानी कि आप कुर्की कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को जेल में नहीं, यदि कानून के समक्ष पेश नहीं हो रहा है, केस में नहीं, कोर्ट के न्यायालय के सामने नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्की कर सकते हैं। बिल्डोजर का प्रोविजन टोटली अवैध है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कई बार कह दिया है, लेकिन इसके बाद भी यदि सरकारें नहीं मान रही हैं या संस्थान नहीं मान रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की मानहानि है उसके आदेश की टिप्पणी के बाद। उन लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए, उन लोगों को जेल भेजना चाहिए, और जिनका मकान टूटा है उसका पूरा भरण पोषण, पूरा हर जाना उस भाई को देना चाहिए उसके अधिकारों को संचित रखने के लिए। यही गारंटी भारत का संविधान देता है, और इसीलिए कुछ लोग भारत के संविधान को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं साथियों, जो संभव नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, पढ़े लिखे लोग हैं इस युग में, जो बिल्कुल भी मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि संविधान के अंदर जो गारंटी दी हुई है वो सब लोगों को, सब नागरिकों को, व्यक्तियों को मिलनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।